हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको मछली कड़ी की फुल रेसिपी बताने वाली हूँ। फिर मछली धो के उसमें हल्दी नमक मिला के रखा हुआ है, मछली के अंडे भी रखी है। तो अभी मैं दोनों को बनाऊंगी और आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगा। मछली के लिए मसाला तैयार करने थे, यहाँ पर मैं सरसों ली हूँ, दो अदरक ली हूँ, दो लहसुन ली हूँ और एक प्याज छोटी सी ली हूँ। अदरक स्किप कर रही हूँ, मैं नहीं डाल रही हूँ। और इसको मैं पहले पेस्ट कर लेती हूँ। आप यहाँ पे पीला सरसों भी ले सकते हैं, काला भी ले सकते हैं, काला वाला का थोड़ा ज़्यादा टेस्ट आता है तो इसमें इसको यूज कर रही हूँ। तो हमारा मसाला पीस के हो गई है रेडी। तो इसमें मैं बाकी की मसाला भी ऐड कर लेती हूँ। बहुत लोग जीरा नहीं पाउडर नहीं देते, लेकिन मैं देती हूँ जीरा पाउडर। उसके बाद इसमें डालूंगी गोल मिर्च, मैं देती हूँ, आप लोग अपना देख लेना, लेकिन बढ़िया टेस्टी लगता है। और मैं ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ा नहीं करती हूँ। धनिया पाउडर डाल रही हूँ अभी 2 स्पून। तो मैं ग्रेवी ज़्यादा नहीं गाढ़ा करती हूँ। और मिर्ची पाउडर 2 स्पून डालूँगी। और उसके बाद इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर। तो हमारा मसाला हो गया रेडी। तो अब इधर मेरी वाइल गर्म हो रही है, इसे मैं मिक्स कर देती हूँ मसाले सबको। तो इसमें तो ऐसे हल्दी नमक मिलाया हुआ है मैं, लेकिन मैं थोड़ी सी इसमें वही मसाला ऐड करती हूँ। तो इसमें भी 2 चम्मच मसाला डाल के अब इसमें फ्राई करूँगी। इधर हमारी वाइल गर्म हो चुकी है, तो अभी मैं एक एक करके इसमें फ्राई करूँगी। गर्म वाइल था उसमें डाल दी हूँ फ्राई करने के लिए। आप लोग भी तो सब तो ऐसे ही बनाते हैं फिश, लेकिन मैं अपना तरीका से शेयर कर रही हूँ आप लोग को। आप लोग जरूर ट्राई करना है ऐसे। इस बार जो डाली थी वो फिश हमारी तल के निकल गई है, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा प्यारा प्यारा मैं तली हूँ। और बाकी फिश फ्राई में मैं डाल रखी हूँ। अभी मेरी मछली फिश फ्राई सारा हो गई, देख सकते हो आप लोग। अब मैं इस अंडे की फ्राई करूँगी, पकौड़ी बनाऊँगी अंडे की, बहुत टेस्टी लगती है। इसमें मैं प्याज और हरी मिर्ची रख दी हूँ। और इसमें मैं डालूँगी बेसन, इसमें मैं बेसन ऐड करूँगी और इसकी बढ़िया वाली पकौड़ी बनाऊंगी, ठीक है। बेसन और थोड़ी सी इसमें मसाला भी डालना पड़ेगा, थोड़ी सी मसाला ऐड कर दो, फिर इसकी बनाती हूँ पकौड़ियाँ जो कि इतनी मज़ेदार लगती है। वहाँ पर अब मैं कर रही हूँ इस अंडे की फ्राई। तो जल्दी जल्दी इसकी फ्राई करके फिर ग्रेवी लगाऊंगी मैं। देखो इधर सारी फ्राई होकर अंडा भी निकल गई। अब मैं इसमें डालूंगी फोड़न, पचफोड़न डालती हूँ। इसके बाद इसमें मैं मसाला ऐड कर दूंगी। बहुत गर्मी है, दोपहर का टाइम है ना, देखो भाई सब इतना तेज धूप रहती है। चलिए इसमें मसाला ऐड कर देती हूँ। देखो इसमें मैं मसाला डाल ली हूँ। और इसमें मैं टमाटर भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ इसमें मैं टमाटर ऐड कर दी, थोड़ी पानी डाल दी हूँ और इसे गैस कम करके नमक डाल के छोड़ दे रही हूँ इसको खदकने के लिए। यहाँ पर हमारा मछली की मसाला फ्राई हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। इसे साइड से तेल छोड़ दिया है। अब तो इसमें पानी ऐड करने वाली हूँ। और चूल्हा की तो अवस्था मत पूछो भाई, फिश बनाने के बाद तो 1 घंटा सफाई करने के लिए चाहिए। देखो क्या हो चुका है, पूछो ही मत। तो इसमें मैं पानी वगैरह ऐड करती हूँ। कलर पता नहीं क्यों ऐसा, धूप है ना सामने से आ रही है ना, तो अजीब रेड अजीब कलर सी दिख रही है। बट हमारी मसाला पक चुकी है, बारीकी से हमारा मसाला पक गया है। इसमें मैं पानी ऐड कर देती हूँ। तो देख सकते हैं हमारी मसाला पक गई है, पानी ऐड हो गई है। इसमें बॉयल आएगी तो फिर फिश डाल के इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी। हमारी फिश बन के हो गई रेडी। फिश फाइनली लास्ट स्टेप पे आ चुकी है, अब ये बन के हो गई है रेडी। तो आप लोग भी देखना और ज़रूर कमेंट्स करके बताना कैसी बनी है। तो देख लो धनिया पत्ता भी डल गई, अब हो गई रेडी। चल कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा कैसी बनी है। जो लोग खाते हैं वो लोग थोड़ा देखिएगा, जो नहीं खाते थोड़ा गलत कमेंट नहीं कीजिएगा। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।